नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें दिल्ली, दिल्ली की खूबसूरती देखने। मेरी दिल्ली मैं ही संभालूं। जी हां, मैं आपको ले चल रहा हूं सीधे लाल किला, जहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है। चारों तरफ दिल्ली की विकास देखने लायक है। दिल्ली एक अपने आप में ऐतिहासिक और सबसे पुराना लाल किला, राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, कुतुब मीनार और भी जगह है जहां पर आप भवन देख सकते हैं। यहां पुराने से पुराने आप जो है भवन देखने को मिलेगी। दिल्ली नई दिल्ली का विशाल ऐतिहासिक गाथा भी है और यह कहा जाता है पांडवों का भी यहां पर जो है विराजमान थे और वह इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। अब दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली भारत की राजधानी, सबसे महत्वपूर्ण राजधानी दिल्ली आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 13 फरवरी 1931 को कलकत्ता से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए यह राजधानी बनाया गया। यह दिल्ली अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता के बाद दिल्ली को यहाँ पर दिल्ली की विशाल जो है राजधानी पूरे देश के लिए बनाया गया। आज यह दिल्ली और लाल किले का जो आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर आने जाने वाले लोग आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती के साथ आ रहे हैं और सौंदर्यीकरण कितना है। स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ते हुए बसें और रोड सभी आज स्वच्छ सुंदर दिखाई दे रही है। यह लाल किला से आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको हर जगह का फुटेज आपको दिखाते हैं जो आप देखते हैं। या आप दिल्ली की सौंदर्यीकरण, यदि आप दिल्ली नहीं आए हैं तो जरूर से ज़रूर दिल्ली की दर्शन करना चाहिए। जैसे कि लाल किला ऐतिहासिक है, लोग सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन और भी ऐसे कई भवन हैं जहां पर जाकर अपनी भावनाओं को अंकित कर और वहां की सुंदरता को देखना चाहिए। म्यूजियम इतने पुराने हैं जहाँ पर सभी जो है गाथाएँ रखी गई हैं और बहुत सारे ऐसे विकास के स्तर भी यहाँ पर बढ़े हैं जो कि भारत सरकार और यहाँ पर दिल्ली की सरकारें भी लगातार काम कर रही हैं। भारत सरकार की नज़रें हमेशा विकास के स्तर को देखते हुए देखा जा रहा है। वहीं पर जो है दिल्ली सरकार भी लगातार अपने अपने मार्ग को बनाने के लिए और कई अपने नागरिकों को सुख सुविधा देने के लिए विकास तेज़ी के साथ कर रही है। हम सभी लोग आज जिस तरह से देख रहे हैं दिल्ली का नज़ारा, लोग कार से और वाहनों से आ जा रहे हैं, तेज़ी के साथ आ रहे हैं। वहीं पर आपको बताते चलूं कि लोग अपनी मर्जी से और तेज़ी के साथ चलना चाहते हैं। आज़ादी की रूपरेखा आज हम सभी लोग अमृत महोत्सव के साथ साथ हम सभी ने 15 अगस्त को खूब मनाए और यह आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से आज हमारा भारत खुशियों का त्यौहार मना रहा है, वहीं पर अब हम सभी लोग यह विकास की धाराएं भी अब लगातार हर जगह देखने को मिलती है। वहीं पर आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका विशाल स्वागत करती है। वह विशालता के साथ साथ आपको सौंदर्यीकरण और इन्वायरमेंट का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर मेट्रो और भी बसें चलाए गए हैं, नए नए बसें भी चल रही हैं, नए नए मेट्रो चल रहे हैं। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूर दराज से लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश और भी अनेक राज्यों को छूते हुए लोग मेट्रो से पहुँच रहे हैं। आप तेज़ी के साथ चलना चाहते हैं, लोग तेज़ी के साथ चलना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं, लोग अपनी अपनी पसंदीदा के अनुसार अपनी यात्रा कर रहे हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।